बिहार के 42,000 युवाओं की पूरी हुई मुराद, टीचर्स को उनकी पसंद के स्कूलों में मिली पोस्टिंग, 30 दिन में करना होगा ज्वाइन। मधुबनी में पेड़ से लटकी मिली युवक की लाश, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने देखी लाश, परिजन बोले जांच करे पुलिस। कटिहार नवगछिया के बीच 13.30 लाख की लूट, पुलिस सप्ताह के लिए खेल कार्यक्रम में व्यस्त रहे पुलिस वाले, इधर HDFC बैंक कर्मी से हुई लूट। 5 केस में लालू यादव पर 1.65 करोड़ का जुर्माना, 26 साल तक चले चारा घोटाले की सुनवाई में 32.5 साल की मिली है सजा। मुजफ्फरपुर में अंडे लदी पिकअप से भारी मात्रा में शराब जब्त, चालक मौके से किया गया गिरफ्तार, बकरी हाईवे के पास जांच में लगा पता। बिहार में अब हेलीकॉप्टर से खोजे जाएंगे शराब के अड्डे, 4 सीटर ड्रोन युक्त होगा हेलीकॉप्टर, ट्रायल भी हो चुका, माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी। गोपालगंज में दो पक्षों के बीच चाकूबाजी, भूमि विवाद को लेकर आपस में भिड़े दो लोग घायल, स्थिति नाजुक। बक्सर में पलटी पिकअप, चालक व सवार फरार, मवेशियों से लदी पिकअप दुर्घटनाग्रस्त, वाहन को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सहरसा सदर थाना अध्यक्ष जाम छलकाते डांस करते दिखे, हुए सस्पेंड, बिहार से बाहर के कई वीडियो फुटेज आए सामने, लगते रहे थे संगीन आरोप। बैंक से 7.87 करोड़ गबन की जांच करेगी CBI। वैशाली में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक गबन केस, 1.80 करोड़ से अधिक की राशि अंगूठे के निशान से निकाली गई। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10 लाख की डकैती, समस्तीपुर में बैंक के अंदर घुसे 5 डकैत, स्टाफ को पीटा, हवाई फायरिंग कर भागे। विदेश में छपे थे मोतिहारी से जब्त नकली नोट, FSL ने DRE को सौंपी रिपोर्ट, दो तस्करों के पास से मिले थे 500 के 85 नकली नोट। बेगूसराय में गर्भवती भतीजी ने चाचा पर लगाए संगीन आरोप, कहा नशे में धुत होकर नंगा करने की कोशिश की, विरोध पर मार कर सिर फोड़ा। अरवल में सड़क हादसे में 5 वर्षीय बालक की मौत, NH 139 पर बालीपुर के पास हुआ हादसा, अज्ञात वाहन ने कुचला। माँ के श्राद्ध क्रम में गया था बेटा, घर में लूट, नालंदा में बदमाशों ने 10,000 नकदी सहित 3 लाख के जेवरात पर किया हाथ।